डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन का लिंक है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा टॉपिक है क्रॉप सीजन। जो क्रॉप्स होती है वो अलग अलग होती है, मतलब हर क्रॉप अलग अलग होती है, तो ये बहुत सारी होती है। ये कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उगाई जाती है। आप पूछोगे हर कंट्री में क्यों उगाई जाती है, हमारी कंट्री में उगाई जाए ना सारी, या फिर दूसरी कंट्री में उगाई जाए सारी, हर जगह क्यों पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि हर क्रॉप को डिपेंड करता है वो किस टाइप की क्रॉप है, उसको किस टाइप की सॉइल चाहिए, उसको किस टाइप की ह्यूमिडिटी चाहिए, उसको किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब जैसे अगर राजस्थान है, वहाँ पे अगर कोई क्रॉप उगाई जा रही है, तो वहाँ पे अगर जिस क्रॉप को सबसे ज़्यादा गर्मी चाहिए है ना, कैक्टस कहाँ उगता है? कैक्टस एक प्लांट है जो कि वहाँ उगता है डेजर्ट में, तो उसको वहाँ क्यों उगाया जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं उगाया जाता? क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा गर्मी में वो सही रहता है ना, और उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको वहाँ उगाया जाता है। जिस क्रॉप को जिस टाइप का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल और टाइप ऑफ सॉइल चाहिए, उसको उसी जगह उगाया जाता है। और जो सीक्वेंस होता है क्रॉप का लाइन टू लाइन, उसको क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न। और यहाँ पे टू टाइप्स की क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। अब हम इन दोनों के सबसे पहले खारिफ क्रॉप पढ़ेंगे, फिर रबी क्रॉप उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? खारिफ क्रॉप क्या होती है? खारिफ क्रॉप मीन्स ऑटम इन अरेबिक। जो अरेबिक एक लैंग्वेज है, खारिफ क्रॉप का मतलब अरेबिक लैंग्वेज में ऑटम होता है। द खारिफ क्रॉप्स आर यूजुअली सोन इन जुलाई विद द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून। जो खारिफ क्रॉप्स होती है ये यूजुअली मतलब ज्यादातर जो है जुलाई में जो है मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, तो तब उगाई जाती है, सीड बो दिए जाते हैं एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द ऑटम इन अक्टूबर। हार्वेस्टेड मतलब होता है कटाई, तो इनको हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम जो होता है अक्टूबर में, उस टाइम इनको हार्वेस्ट किया जाता है। द मेजर खारिफ क्रॉप्स आर मिलेट्स, बाजरा एंड जोवर, पैडी, राइस, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, शुगरकेन एंड कॉटन। जो मेजर टाइप के खारिफ क्रॉप्स हैं वो है एक तो मिलेट्स होता है, बाजरा और जोवर को कहते हैं, पैडी जो है राइस को कहते हैं, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, न्यूट्रेला और शुगरकेन एंड कॉटन। सो अब हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स। रबी मीन्स स्प्रिंग इन अरेबिक। जो रबी है उसका अरेबिक लैंग्वेज में स्प्रिंग है, मतलब द रबी क्रॉप्स आर यूजुअली सोन इन अक्टूबर विद द बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन। जो रबी क्रॉप्स है इनको ज्यादातर जो है अक्टूबर में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो तभी इनको सीड इनके बोए जाते हैं एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन मार्च। इनकी कटाई जो है ये स्प्रिंग सीजन में होती है, जो कि मार्च में होता है, और दे आर ऑल्सो नोन एज, इनको विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। और ये मेजर रबी क्रॉप्स दे रखी है हमें वीट, पी, वीट पता है आटा, पी जो है मटर को कहते हैं, मस्टर्ड एंड बार्ले। सो गाइस अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो बेसिक प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन की वो, अब पहली बात तो ये कि जो क्रॉप्स उगाने का काम है ये इजी नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, हार्डवर्क होता है और मनी भी लगता है बहुत ज्यादा पैसे। और जो एग्रीकल्चर है ये मतलब इसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज इसमें यूज होती है, और जो जो अपनी सॉइल को कैसे सही रख सकते हैं, अपना आउटपुट कैसे बेस्ट रख सकते हैं प्लांट्स को क्रॉप करने के लिए, तो वो सब कुछ जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पे दे रखी है हमें टेबल में, तो हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज मैनुअरिंग, थर्ड इज सोइंग, फोर्थ इज इरीगेशन, फिफ्थ इज क्रॉप प्रोटेक्शन, सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ इज स्टोरेज। इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि ये सब क्या क्या चीजें होती हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको वीडियो में करके समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, ये आपको दिखाने के लिए, इसीलिए और बुकिश लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ आए इसलिए वीडियो में करके। फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ये जो
स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप प्रोडक्शन में, मतलब ये पहला काम होता है सबसे। बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप द सॉइल नीड्स टू बी मेड मोर लूज एंड एरेटेड। क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले सॉइल को हमें लूज करना पड़ता है, जिससे उसके अंदर एयर वो एयर जाए अच्छे से, और जो नाइट्रोजन और जितनी भी चीजें हैं मतलब वो इजीली उसमें पास हो सके। अब हमारा है फ्लोइंग। फ्लोइंग को टिलिंग भी कहा जाता है। फ्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल फॉर बेटर परकुलेशन ऑफ वाटर एंड एयर। जो फ्लोइंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉइल को अच्छे से लूज और ऊपर नीचे करने से जो वाटर और जो एयर है वो इजीली और अच्छे से मतलब पूरी सॉइल में मिल जाते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लो ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर और बाय एनिमल्स ऑक्सन। ये जो है काम जो है ये प्लो ड्राइवन, जो कि एक ट्रैक्टर से या और एनिमल्स के द्वारा, मतलब ये प्लो ड्राइवन नाम का कुछ है, ये कोई मशीन है, ये जो है ट्रैक्टर से या तो या फिर एनिमल्स से, इन दोनों में से किसी एक से किया जाता है, और इसे ऑक्सन भी कहा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। एडवांटेजेस फायदे क्या होते हैं प्लोइंग के। सीड्स गेट सफिशियंट एयर एंड वाटर इन लूज सॉइल टू जर्मिनेट। जो सीड्स हैं वो अच्छे से उनमें एयर पास हो जाती है अंदर, मतलब सॉइल के अंदर अच्छे से एयर पास हो जाती है अगर ये लूज हो सॉइल तो। सेकेंड इज लूज सॉइल अलाउ रूट्स टू ग्रो डीप इन टू द सॉइल एंड एंकर प्लांट्स। जो लूज सॉइल होती है वो रूट्स को अलाउ करती है कि वो अच्छे से डीप में जा सके और एंकर प्लांट्स को भी। प्लोइंग एरेट्स द सॉइल, दिस अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली। जो प्लोइंग है वो जो है रूट्स को इजिली ब्रीथ करने के लिए अलाउ करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स ग्रो वेल इन अ लूज सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स हैं ये जब लूज सॉइल में उगते हैं, देखो लूज सॉइल में उगते हैं तो लूज सॉइल करने के लिए प्लोइंग की जरूरत पड़ती है, तो ये प्लोइंग होती है तो इससे ये फायदा होता है ना, ये सॉइल लूज हो जाती है तो ये दोनों उग जाते हैं और ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको और बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल मिक्स विद द टॉप सॉइल ड्यूरिंग प्लोइंग। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से मतलब जो टॉप सॉइल होती है वहां पे ऊपर ही ऊपर रहते हैं या कई बार होता है नीचे ही रहते हैं, तो वो पूरी सॉइल में अच्छे से मिल जाते हैं। प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स इजिली। इससे प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स को इजिली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लूज सॉइल हेल्प सनलाइट टू रीच द डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल एंड किल हार्मफुल माइक्रोब्स। ये जो लूज सॉइल होती है ये सनलाइट, मतलब जो लूज है अगर सॉइल तो जो सनलाइट है वो इजिली अंदर जाएगी, मतलब नीचे नीचे जाएगी सॉइल के, तो ये जो है जर्म्स को मार देगी जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। देखो आपने यहाँ पे पढ़ा है कि माइक्रोब्स जो है फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन ये यूजफुल माइक्रोब्स, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं सनलाइट उन्हें मार देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लोइंग मिक्सेस मैन्योर। जो प्लोइंग है उससे मैन्योर भी मिक्स हो जाता है और फर्टिलाइजर्स भी सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग अब हम पढ़ेंगे। सो गाइज अब हमारा है लेवलिंग। आफ्टर प्लोइंग द फील्ड इज लेवल्ड। प्लोइंग करने के बाद जो है ये प्लोइंग होती है, इसको करने के बाद आप पहले ये देख लो ये प्लोइंग एनिमल्स से भी हो रही है और ये प्लोइंग ट्रैक्टर से भी हो रही है। तो ये प्लोइंग जो होती है इसको करने के बाद जो है फील्ड जो होती है, मतलब ये जो इनका मिट्टी होती है, ये जो फील्ड है ये पूरी, इसको लेवल किया जाता है, मतलब इसको पूरा स्ट्रेट, मतलब जैसे ये यहाँ पे कर रहा है ना, ये देखो यहाँ से ऊपर है लेकिन इसने बिल्कुल यहाँ से लेवल कर दिया है, तो ये लेवल किया जाता है। ठीक है, ये होती है लेवलिंग, वुडन लेवलर से हो रही है ये। तो ये जो है प्लोइंग के बाद की जाती है। ये जो प्लोड सॉइल में हैव बिग लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। ये जो प्लोड सॉइल होती है, मतलब ये जो प्लोइंग के बाद जो सॉइल होती है इसके पास बिग लम्स होते हैं जिन्हें क्रम्स कहा जाता है। बिग लम्स होते नहीं वो मोटे मोटे से जो मिट्टी के, मतलब मोटे मोटे से होते हैं वो मिट्टी के। अगर आप गीली मिट्टी को हाथ में ऐसे ऐसे उसको अच्छे से ऐसे ऐसे करोगे तो उसका जो वो बन जाता है वो होते हैं यहाँ पे, तो जो है वो जो उन्हें क्रम्स कहा जाता है। तो ये जो है लेवलिंग उनको क्रश भी कर देती है एक तो, और इससे फील्ड भी पूरी लेवल हो जाती है। ये या तो वुडन लेवलर से की जाती है या फिर आयरन लेवलर से, और इसको लेवलिंग कहा जाता है। अब पॉइंट्स हैं यहाँ पे, लेवलिंग हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो लेवलिंग है इससे सॉइल इरोजन भी होता है,
इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म इरीगेशन, इससे यूनिफॉर्म इरीगेशन भी होता है, मतलब बैलेंस इरीगेशन हो जाता है, और इट अलाउज यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअल। ये जो बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस हो जाता है अच्छे से पूरा, तो फर्टिलाइजर और मैनुअल भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जो लेवलिंग है, ऑल्सो लेवलिंग ऑल्सो लेसन्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू इवेपोरेशन। जो लेवलिंग है, इससे जो मॉइस्चर का लॉस हो जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। मैनुअरिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। और पार्ट 3 में हम मैनुअरिंग पढ़ेंगे, तब तक आप ये जो जितना आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए। गाइज, अब हम मैनुअरिंग पढ़ेंगे। मैनुअरिंग क्या होता है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज बाय एडिंग मैनुअर और फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो कैसे बढ़ती है? वो अगर हम उस सॉइल में मैनुअर और फर्टिलाइजर डाल देंगे तो उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, एडिशन ऑफ मैनुअर मेक्स द सॉइल स्पंजी एंड हेल्प्स इट टू होल्ड एयर एंड वाटर। ओके, इसका मतलब है जो मैनुअर है उससे हमारी जो सॉइल है वो स्पंजी हो जाती है और वाटर को और एयर को होल्ड करने में हेल्प करती है। इन शॉर्ट, इसका मतलब यही है कि फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है अगर हम उसमें मैनुअर और फर्टिलाइजर डालें तो, और मैनुअर की मदद से जो सॉइल है वो स्पंजी भी हो जाती है और एयर और वाटर को होल्ड करके भी रख सकती है। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी, ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 8, मैनुअर्स। मैनुअर्स पे पढ़ेंगे। मैनुअर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज डेट सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। जो मैनुअर्स हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, जो उन्हें चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये जो है डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। तो ये जो मैनुअर है, इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट्स को, जो उन्हें प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जो चाहिए होते हैं ये वही देते हैं, और ये डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर। सो गाइस, अब फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स डैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और ये मैनमेड होते हैं, मैनमेड मतलब इंसान द्वारा बनाए गए हैं, और ये सॉल्ट से बनते हैं फैक्ट्रीज में। और जो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर है वो है NPK। ये जो है क्या कंटेन करता है, फुल फॉर्म क्या होती है NPK की? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इसमें होता है, ठीक है। एज द ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल इज प्रोग्रेसिवली गेटिंग रिड्यूस्ड। जो ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट है सॉइल का, मतलब जो हमारी सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो सल्फर इज नाउ बींग रिकमेंडेड फॉर इंश्योरिंग सॉइल न्यूट्रिशन। जो सल्फर को रिकमेंड करते हैं कि आप इसको यूज करो, ये अच्छा है सॉइल न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्स्ट पॉइंट है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन डैमेज द सॉइल बाय मेकिंग इट ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। एक्सेसिव का मतलब होता है, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बोला है कि जो फर्टिलाइजर है अगर हम सॉइल में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारी सॉइल है वो डैमेज हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर फर्टिलाइजर केमिकल से बना है तो वो केमिकल अगर हम ज़्यादा अपनी सॉइल में डालेंगे तो सॉइल ख़राब हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स हैव बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एक्सेस फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर इनटू वाटर बॉडीज हार्मिंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब है कि जैसे हम अपने खेतों में वो डालते हैं फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स के टू एग्जांपल्स हैं वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये जैसे हम अपने खेतों में डालते हैं जिससे कीड़े ना लगें, इसलिए हम इन्हें अपने खेतों में डालते हैं। तो ये जब बारिश होती है, रेन होती है, तो फिर जो है ये मतलब ज़्यादा डाल देते हैं तो ये पानी के साथ बह के चले जाते हैं। अब पानी के साथ बह के जाते हैं तो ये वाटर बॉडीज़ में ऐसी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये केमिकल जब पानी में जाएगा तो एक तो वाटर पॉल्यूशन तो होगा, लेकिन वहाँ के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उन्हें भी ये मार देते हैं, उन्हें भी हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। थर्ड है, एक्सेस फर्टिलाइजर्स ऑल्सो हार्म यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल।
जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो हमारे यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, इनको भी ये मार देते हैं। अब हमारे हैं एडवांटेजेस मैनुअर को यूज करने के, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैनुअर ओवर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर से ज़्यादा मतलब क्यों मैनुअर सही है, एडवांटेजेस हैं। तो मैनुअर फर्स्ट पॉइंट है, मैनुअर इन्हेंसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैनुअर से एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की, वो वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स द सॉइल पोरस, मेकिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो हमारी सॉइल होती है, हम जब उसके अंदर खाद मिलाते हैं, मैनुअर खाद को कहते हैं, तो जो हमारा खेत है उसमें हम खाद मिलाते हैं, तो उसको अच्छे से मतलब हम लोग हिला लेते हैं एकदम, मतलब ऊपर जो हम खाद मिलाते हैं उसको अच्छे से नीचे तक कर लेते हैं, तो उसमें जो पोर्स होते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं, मतलब जो ऊपर वाली हमने मैनुअर मिलाई है वो पूरे उसमें मिल जाती है। तो जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे छेद से होते हैं उस, वो होते ही हैं उसके अंदर, तो उससे गैस इजीली ऊपर नीचे पास हो सकती है, तो ये एक एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट, इट इम्प्रूव्स द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, इससे एक तो सॉइल का टेक्स्चर भी अच्छा रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल, जो ये बढ़ाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल माइक्रोब्स हैं वो सॉइल के, ये बढ़ाते हैं फ्रेंडली, ठीक है। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे सोइंग। सोइंग, सोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन टू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जो सीड्स को मिट्टी में डालने का जो प्रोसेस होता है, जो मिट्टी में सीड को ऐसे पूरा डालते हैं, तो उस प्रोसेस को सोइंग कहा जाता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बिफोर सोइंग सीड्स द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। सीड्स को बोने से पहले कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, ठीक है, जो ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओनली हेल्दी डिजीज रेसिस्टेंट पेस्ट फ्री एंड गुड क्वालिटी सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। जो हेल्दी होते हैं सीड, मतलब जो हेल्दी सीड्स हैं और जो बीमारी वाले नहीं हैं, बीमारी से फ्री हैं और पेस्ट वाले नहीं हैं, गुड क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, वो सीड्स सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है, देयर मस्ट बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स टू अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड लाइट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इसका मतलब है कि हमें सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस से लगाना चाहिए, मतलब अगर मैंने यहाँ दो उंगली का स्पेस देके लगाया तो मुझे दूसरा अगला भी ऐसे ही लगाना चाहिए। अगर मैं एक जगह पे ही सारे डाल दूंगी तो सीड्स ढंग से नहीं उगेंगे, जो प्लांट्स हैं वो नहीं उग पाएंगे, जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। जर्मिनेशन क्या होता है? जब कोई सीड से मतलब प्लांट बनना एक वो है, मतलब उसको जर्मिनेशन कहते हैं, और ये जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एक प्रोसेस है, ठीक है। और इनको प्रॉपर स्पेस से ही हमें लगाना पड़ता है, अदरवाइज इनके अंदर कंपटीशन होता है स्पेस का, ऑक्सीजन का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, लाइट का, और इसके अंदर जो है ये लोग लड़ने भी लग जाते हैं, फाइट होती है इनके अंदर ही अंदर कि कोई एक दूसरे की जो है ये लोग छीनते रहते हैं सनलाइट, तो इसीलिए इनकी वो होती है, ठीक है, फाइट होती है। तो हमें इनको प्रॉपर स्पेस से लगाना चाहिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी वन, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी सीड्स। डिफ्रेंशिएट करना है हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स को। इसको मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, इसका मतलब ये है कि हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे और उसमें कुछ सीड्स डालेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे, फ्यू मिनट्स बाद, जो है उसके अंदर जो सीड्स हैं वो कुछ तो नीचे होंगे, ठीक है, और कुछ ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे। तो जो नीचे हैं वो हैवी हैं तो वो हेल्दी हैं, उनमें कुछ है, और जो तैर रहे हैं ऐसी वो लाइट हैं, वो ऐसी है, मतलब वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सीड्स मस्ट बी सोन एट एप्रोप्रिएट डेप्थ इन द सॉइल, नीदर टू डीप नॉर वेरी सुपरफिशियल। इफ सीड्स आर सोन वेरी डीप दे मे नॉट बी एबल टू रिस्पायर, ऑल्सो देयर शूट्स मे बी नॉट बी एबल टू पुश थ्रू द सॉइल एंड मे डाई इवन बिफोर जर्मिनेटिंग आउट ऑफ द सॉइल। If seeds are sown too close to the surface, they may be eaten away by birds. इसका मतलब है कि हमें ना तो सीड्स ज़्यादा ऊपर रखने हैं, मतलब अगर हम जब सीड्स बोते हैं तो ना तो हमें ज़्यादा ऊपर रखना है और ना ही ज़्यादा अंदर रखना है, क्योंकि अगर ऊपर रखोगे ज़्यादा तो फिर बर्ड्स खा जाएंगे, और अगर तुम अंदर रखो तो फिर इनको गैसेस नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए ना तो हमें ज़्यादा ऊपर रखना है, ना तो हमें ज़्यादा नीचे रखना है, ठीक है। तो
तो अब जो है हमारा नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, सीड्स को बोने के मेथड्स दे रखे हैं यहाँ पे कुछ। तो सीड्स कैन बी सोन बाय एनी ऑफ दीज मेथड्स, सीड्स की इनमें से ये जो जो मेथड दे रखे हैं इनमें से किसी भी मेथड से बोए जा सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सीड्स को बोने का। इन दिस मेथड, इस मेथड में जो सीड्स हैं उन्हें स्कैटर्ड ऑन द फील्ड बाय हैंड। इसके अंदर हमें ये देखो आप देख सकते हो जैसे कि ये जो है आदमी ये सीड ऐसी हाथ से फेंक रहा है, तो इस मेथड में हमें सीड्स को स्कैटर्ड मतलब हाथ से फेंकना होता है, ठीक है। और जो है इसमें कोई मशीन नहीं होती, बस आपको हाथ से ही इसमें फेंकना होता है। ये है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। इसके बाद इन्होंने बोला है कि इस मेथड का एक डिसएडवांटेज भी है कि इसके अंदर जैसे आप हाथ से ही फेंक रहे हो तो हमें क्या पता प्रॉपर डिस्टेंस है नहीं है, या फिर प्रॉपर कोई ऊपर है कोई नीचे है ना, हमारी फील्ड कहीं ख़राब तो नहीं हो रही। अब जैसे कि ऐसे ही फेंके जा रहा है तो इसको क्या पता कि प्रॉपर डिस्टेंस लग रहा है नहीं लग रहा। अगर जैसे कि यहाँ फेंकेगा एक और फिर दूसरा इसको यहाँ और फिर दूसरा यहाँ, तो इसको पता नहीं चलेगा ना प्रॉपर डिस्टेंस है या नहीं। इसीलिए और क्या कहते हैं प्रॉपर ये अंदर गया ही नहीं गया, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। इस मेथड को ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, ये पहले किया जाता था, अब भी कुछ लोग करते हैं इसको। नेक्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल टूल, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया यूज अ सिंपल सीड ड्रिल अटैच टू द प्लो। द सीड ड्रिल इज मेड बाय कनेक्टिंग अ फ्यू नैरो पाइप्स टू अ फनल एट द टॉप, द सीड्स प्लेस्ड इन अ फनल ड्रॉप इन टू द फोरो मेड बाय द प्लो, द सीड्स आर देन कवर्ड विद सॉइल विद द हेल्प ऑफ। लोग ट्रेडिशनल टूल पे थे। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, इन शॉर्ट इसका मतलब है कि जो सीड ड्रिल होती है वो फ्यू नैरो पाइप से जुड़कर बनती है, ठीक है। फनल ऊपर होता है टॉप में, ये फनल ऊपर से ऐसे होता है, उसके बाद जो है ये नीचे ऐसे होता है, मतलब नीचे एक ऐसे डंडी सी जा रही होती है और ये ऊपर से ऐसे होता है, एक ऊपर गोला सा होता है और नीचे ऐसे जा रही होती है। तो जो है ऊपर उसमें सीड्स डालते हैं और वो पतला सा होता है, उसमें सीड मिट्टी में जाते रहते हैं, तो ये इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये नैरो पाइप से जुड़ जुड़ कर बना होता है और ये जो है सॉइल से कवर हो जाते हैं सीड्स जो है हमने डाले होते हैं, और फिर हम लेवलर की मदद से, जो लेवलर होता है उसकी मदद से इसको पूरा मतलब लेवल कर देते हैं, पूरा बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं सीड ड्रिल पे। सीड ड्रिल इन शॉर्ट बता दूँ सीड ड्रिल क्या होती है, एक बार पढ़ लेते हैं। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन सीड ड्रिल इज़ वेरी सिमिलर टू अ ट्रेडिशनल टूल बट इट्स एफिशिएंसी इज हायर। द सीड ड्रिल इज कनेक्टेड टू अ ट्रैक्टर एंड हैज मैनी ट्यूब्स लीडिंग टू द प्लव, दिस मेक्स इज मोर एफिशिएंट देन अ ट्रेडिशनल टूल। ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे उसमें तो हम ऐसे फनल में ऐसे डाल डाल के वो करते हैं, वो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का था, लेकिन अब सीड ड्रिलिंग की ये मशीन आ गई है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये आप लोग देख रहे हो इसके अंदर ये है ना, ये ऐसे डंडी डंडी सी, ये इनके बीच में देखो प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर गैप होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये लोग सीड डालते हैं, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे नीचे जाते रहते हैं अंदर ही अंदर, और ये चलते रहते हैं आगे, ट्रैक्टर आगता रहता है और ये सीड्स चलते रहते हैं। प्रॉपर स्पेस होता है, प्रॉपर डेप्थ होती है और प्रॉपर इनको अच्छे से करा जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये होती है सीड ड्रिल मशीन। अब फनल से डालोगे और इससे जल्दी हो जाएगा काम, क्यों, क्योंकि इसमें एक बारी में ही इतने सारे आप लोग देख सकते हो ये लगे हुए हैं, तो इससे जल्दी हो जाता है। तो ये जो है ट्रैक्टर है जिसमें प्लो का भी कुछ काम है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्लो होते हैं इसकी ट्यूब्स में, तो इसका यूज़ होता है और ये बहुत एफिशिएंट बनाती है, मतलब ये बहुत एफिशिएंट होती है ट्रेडिशनल टूल से, क्योंकि ट्रेडिशनल टूल में तो देखो प्लो वो लो फनल उससे इतनी मतलब वो करो मेहनत करो, ये जो है सिंपल सीड ड्रिल है इसमें बस चलाना होता है इन्हें ट्रैक्टर और ये डलते रहते हैं सीड्स। आगे है प्लांटिंग। प्लांटिंग सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स नीड अ वाइड स्पेसिंग। जो सीड्स होते हैं इन्हें बहुत मतलब ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है डालने के लिए, और सीड्स जो है बड़े बड़े होते हैं, इनको अच्छे से पूरा प्लांटिंग में जो है हमें इनको मैनुअली मतलब होता है हाथ से, तो हाथ से इन्हें बोने की ज़रूरत होती है जो बड़े बड़े सीड्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हाथ से बोया जाता है, जैसे आप ये देखो मेज़ है, किडनी है, किडनी बीन्स, राजमा जिसे कहते हैं, पोटैटो है, कॉटन है और शुगर केन, इनको हाथ से बोया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं।
इन शॉर्ट ब्रॉडकास्टिंग वो होता है जिसके अंदर हाथों से सीड्स को ये लोग गिरते हैं। ट्रेडिशनल टूल बता दिया है, सीड ड्रिल जो फनल जो होता है उसके अंदर सीड डालते रहते हैं। सीड ड्रिल होती है जिसके अंदर इतने सारे ये होते हैं, इस ट्रैक्टर से इसमें डलते रहते हैं सीड्स, और प्लांटिंग जिन्हें हाथ से डाला जाता है बड़े बड़े सीड्स को। और ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, एडवांटेजेस पढ़ते हैं आप सीड ड्रिल की। सीड ड्रिल के एडवांटेजेस ये है कि इससे प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में ये जाते हैं सीड्स अंदर। डिस्टेंस तो पता ही है सबको, डेप्थ कहते हैं मतलब जितना अंदर जा रहा है, ठीक है। बर्ड्स जो इन सीड्स को खा नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल ये प्रॉपर होते हैं, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, और सिलेक्शन नहीं करते एयर स्पेस न्यूट्रिएंट्स लाइट का इन सब चीज़ों का, क्योंकि इनको अगर हमने प्रॉपर उससे लगाया होता है तो ये लोग कंपटीशन नहीं करते। और प्लांट्स जो हैं ये इससे हमारा सीड ड्रिल जो है, ये सीड ड्रिलिंग हो रही है ये ब्रॉडकास्टिंग, तो सीड ड्रिलिंग से हमारा जो है टाइम और हमारा मेहनत, हमारी मेहनत दोनों बचते हैं, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन वो होता है जब हम हेल्दी जो है हमारी सीडलिंग्स हैं उनको नर्सरी से फिर फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि टमाटो, राइस, चिलीज, इन सब को भी हम सीधा फील्ड में नहीं भेजते, सबसे पहले इनको नर्सरीज में छोटी सीड बेड्स में करा जाता है, उसके बाद फिर इसको जो अच्छी हैं वो सिलेक्ट करके ट्रांसप्लांटेड मतलब फील्ड में ट्रांसफर्ड की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ट्रांसप्लांटेशन पैडी की हो रही है, राइस की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस पर। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, फर्स्ट पॉइंट है इससे एक तो हमारी जो हेल्दी सीडलिंग्स हैं वो ट्रांसफर्ड हो जाती हैं फील्ड में, और बेटर रूट और शूट डेवलपमेंट होती है, मतलब जो बेटर रूट होती है, अच्छी जो रूट होती है वो होती है, और जो ऊपर का होता है वो सही रहता है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है। थर्ड पॉइंट जो है उसके जो हमारी जो सीड हमने बोए हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में होते हैं। अब यहाँ ओरल क्वेश्चंस हैं, तो इसका फर्स्ट है हाउ डिड मैन ने कैसे लर्न किया क्रॉप्स ग्रो करने का, तो उसने ऐसे लर्न किया कि उसने वो पहले एडिबल पार्ट्स खाते थे प्लांट्स के या फिर एनिमल्स को खाते, तो उसने सोचा कि एडिबल पार्ट्स जो हम खाते हैं प्लांट्स के, ये प्लांट्स भी कैसे ना कैसे उगते हैं, तो क्यों ना हम एक फील्ड में सिर्फ एडिबल चीज़ें ही उगाएं प्लांट्स की जो खा सकें ऐसे, ठीक है। सेकेंड है मेन पर्पस क्या है प्लोइंग को करने का, यही है कि जिससे हमारी जो सॉइल है वो लूज हो और जो है वाटर, एयर ये और गैसेस इसमें इजीली पास हो सके। थर्ड है लेवलिंग क्या होती है, फील्ड को बैलेंस करने के लिए लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिलिंग का डिफरेंस। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग में हम सीड हाथ से फेंकते हैं, और सीड ड्रिलिंग में एक मशीन होती है जो बहुत सारे मतलब एक बार में बहुत सारे सीड्स प्रॉपर डिस्टेंस प्रॉपर डेप्थ में लगा देती है। अब नेक्स्ट आते हैं इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है, हम क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं जो हमारी फील्ड्स में करते हैं, हम इसको सप्लाई कैनल से, रिजॉर्वर्स, ट्यूबवेल्स से, इन सब चीज़ों से हम इन्हें सप्लाई करते हैं और इसको इरिगेशन कहा जाता है। लेकिन फार्मर्स जो है डिपेंडेंट होते हैं रेन पे, कि अगर मतलब बारिश नहीं हुई तो इरिगेशन कैसे होगी, तो इसका भी अब न्यू मेथड निकल आया हमारी कंट्री में कि जो है या तो टैंक्स, डैम्स, लेक्स, वेल्स, इन सब से क्रॉप्स को इरिगेट करा जाएगा। नेक्स्ट पैरा है द जो क्रॉप्स हैं मतलब जो हमारा वाटर है, जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्रॉप्स पे डिपेंड करता है, वो किस टाइप की क्रॉप है, कौन सा सीज़न है, तो उस पे डिपेंड करता है उसे कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अगर हमारी क्रॉप मान लो जैसे कैक्टस है, कैक्टस को कम वाटर चाहिए होता है तभी वो गर्मियों में उगाया जाता है, वो गर्मी तो होती है डेजर्ट में तो वहाँ होता है कैक्टस, है ना। तो क्रॉप पे भी डिपेंड करता है और सीज़न पे भी। अगर मैं अब ठंड में जो है कोई क्रॉप उगा रही हूँ तो उसमें ठंड में तो पानी रहता है तो मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं गर्मी में उगा रही हूँ समर में तो पानी सूख जाता है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सीज़न पे भी डिपेंडेंट है और क्रॉप पे भी, किस टाइप की क्रॉप है, वाटर का अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे कि राइस को ट्रांसप्लांटेड करा जाता है नर्सरीज में, वाटर लॉक्ड फील्ड्स में करा जाता है वहाँ से नर्सरी से, तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। वीट को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है सोइंग और फ्लावरिंग और जो ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है उस टाइम, है ना। तो इसीलिए ये हमें बताया गया है। आगे है ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन का। हमारी जो इंडिया है यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं पीपल अभी भी, लोग जो हैं अभी भी इरिगेशन के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, मोट, राहत, देखली, इन सब चीज़ों को उगाने के लिए। इसके अंदर या तो कैटल या फिर ह्यूमन, इन सब के द्वारा पानी लाया जाता है वेल्स, लेक्स और कैनल्स से, ठीक है। और ये
जो पानी होता है ये इरिगेशन के लिए फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, जो एनिमल्स और ह्यूमंस है ये लोग पंप्स का यूज़ करते हैं, मतलब पानी को लिफ्ट करने के लिए, पानी को यूज़ करने के लिए फील्ड्स में, ठीक है। और जो पंप्स हैं वो कैसे होते हैं, पंप्स तो सबको पता है क्या होते हैं, पंप्स किससे वो होते हैं, या तो डीजल से, या बायोगैस से, या इलेक्ट्रिसिटी से, या सोलर एनर्जी से, इन सब चीज़ों में से किसी ना किसी से चलते हैं, ठीक है। कोई कोई डीजल से चलता है, कोई बायोगैस से चलता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो कोई सोलर एनर्जी से चलता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ चीपर, जो ये जो हमारे मतलब ये मेथड है ट्रेडिशनल, या चीपर हो गए हैं, मतलब ऐसी हैं ये, तो इतने काबिल नहीं है ये। अब आया है मॉडर्न मेथड इरिगेशन का, ये इन शॉर्ट बता देती हूँ कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये क्या होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम एक मेथड होता है वाटर को अप्लाई करने का, एक जैसे रेनफॉल होती है उस टाइप का ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये स्प्रिंकलर हो रहा है वाटर, है ना, यहाँ से ये हर जगह जा रहा है, मतलब पूरे उसमें, तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। और ये कैसे बनता है, तो इसका मैं बता दूँ, ये जो है नेटवर्क होते हैं वर्टिकल पाइप्स, जो इसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम में नेटवर्क्स होते हैं वर्टिकल पाइप्स के, तो ये ऊपर एक नोजल भी होती है जो ऐसे ऐसे घूमती रहती है और वो पानी स्प्रिंकलर करती रहती है, ठीक है। और ये पाइप्स जो है जॉइंट होते हैं मेन पाइपलाइन में, और वहाँ पे बहुत स्पेस होता है, इक्वल स्पेस होता है मतलब। और जो है ये पानी जब हम मेन पाइप ऑन करते हैं तो बहुत पानी बहुत प्रेशर से बहता है और नोजल्स रोटेट होना शुरू हो जाती हैं। और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इससे क्रॉप्स को भी सही पानी मिलता है, और ये मेथड बहुत यूज़फुल है जहाँ पे सॉइल सैंडी है और अनइवन है। और ये मेथड वाटर कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और क्या कहते हैं इससे, लेकिन पानी भी बहुत वेस्ट होता है। तो ये वाला जो हमारा 10th पेज था ये हम कर चुके हैं, और जो 11th है, और ये बाकी जो पेजेस हैं ये हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में।